मैं सुबह उठती थी 6 बजे ही आप उठी है। मैंने ब्रश ऑलरेडी कर लिया है पर थोड़ा थोड़ा और बंकू यहाँ लग गया है। मैं हमारा नाश्ता आ रहा है, मम्मी काम कर रही है, पतली हो गई लग रहा है, ये हमारी मिस इंडिया छुपी छुपी फिर रही है ऐसे ही। इस एक तो छिपी गई है बिल्कुल, उसे दिखना ही नहीं है। ये देखो हमारे बंकू का फेस वॉश हो रहा है, इसके बाद लड़कियां बता रही है, देखो मोहल्ले की लड़के तैयार हो गया। हमारा सुबह का छोरा नाश्ता कर ले, क्यों नहीं कर रहा बंकू? बेबी ऑफ बंकू भैया कभी नहीं। हम बीमार लोग खा रहे हैं, अनुष्का की रखे भैया बहुत ऑफ बीमार। अब मैं अच्छी लग रही हूँ? नहीं, तू ऐसे ठीक लग रही है वैसे ही। खाया इतना खाया कि उनके बाद हम कुछ खाने के लाइक नहीं थे, तो अब हम लोग क्या खा रहे हैं? खिचड़ी। हमें मतलब फेस्टिवल के दिन ये सजा मिली है कि तुम खिचड़ी खाओ, खिचड़ी और सैलेड मिल सैलेड। मुझे मम्मी ने ऐसे अभी जल्दी अभी हो रहे क्या बजे? 1 बजे, मतलब मैं 2 बजे निकलने वाली हूँ। जा रहे हैं फिर मिलेंगे सच्ची में, मन तो नहीं है, बहुत सारी मस्ती करेंगे। बट इस ब्लॉग में मैं और अनुष्का के मतलब यही मन है, कलर हम खेल नहीं सकते इसलिए खाना के झूठे मूठे कलर लगा लेते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। लेकिन हमारा ब्रो मिस है, ब्रो आई मिस यू। अरे इसको क्या हो गया? बंकू बंकू देख तो सर, ब्रो आई मिस यू। ब्रो आई मिस यू। हम किसको मिस कर रहे हैं वो तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, किसको मिस कर रहे हैं? सोनिया, सोनिया आई मिस यू यार। सोनिया आधा खिचड़ी खाने चलो भैया, चलो बाय बाय आगरा। अब ये वाले ब्लॉग पे ट्रेवल का बस मैं घर पहुँच चुकी, जिन्हें ट्रेन से जाने का मन तो नहीं हो रहा, तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी ख़राब है, बट घर पहुँचना है शाम तक क्योंकि एक डे मेरा ये वेस्ट हो जाएगा फेस्टिवल का। कल मुझे परसों घर भी निकल जाए, लेकिन निकल चलते हैं। अभी तो मैं बस पकड़ी बाकी है गाँव वाली, वैसे मैं ट्रेन से जाती बट अभी नहीं जाऊँगी। बस में बैठने के बाद मुझे फिर से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती। मैंने पापा को फ़ोन किया और पापा ने कहा फटाफट से ट्रेन पकड़ो, मैं आपको ट्रेन में लेने आ रहा हूँ। और यहाँ पे पापा मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो नाराज़ है मेरे से, क्योंकि मेरा बहुत सारा वेट लूज़ हो गया, इसलिए पापा मेरे को देख रहे ही नहीं चाहते। और यहाँ पर ये क्यूट माँ से मिली जिनकी आवाज़ बहुत ही क्यूट है, तो सुनाती हूँ मैं आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो कैमरे पे हाथ रखे पर फिर भी कुछ आवाज़ें निकाल रहा है, जैसे डॉग मंकी, बहुत प्यारी आवाज़ है। तो मैंने कहा चलो भाई रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो कह रहे कैमरे पे मत रिकॉर्ड कर। तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड, बहुत ही क्यूट बच्चा। हेलो, तो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ। घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट किया और उसके बाद मम्मी गुजिया बना रही थी और मैंने जैसे बिस्तर पर बैठा, मम्मी ने गुजिया दी मुझे खाने को, मैंने गुजिया खा ली। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे और मेरी फैमिली सभी को हैप्पी होली एंड बहुत सारा प्यार। प्लीज़ बी सेफ।